दिवाली से पहले क्या अयोध्या में राम राज्य आ गया है? यहाँ नफरत का नामो निशान नहीं है, दिलों में दूरियां नहीं है। वैसे भी अयोध्या की फिजा में कुछ ऐसा है जिसे चाहकर भी नफरत पैदा करने वाले मिटा नहीं सके। तभी तो अयोध्या के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या वो भूमि है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। एक तरफ जहां अयोध्या में दीपावली उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, राम की नगरी सज रही है, ऐसे में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी अपने परिवार के साथ उस संत के घर पहुंचे जिन्होंने चंद दिन पहले राम मंदिर के लिए आमरण अनशन किया था, और ये धमकी भी दी है कि अगर राम मंदिर का निर्माण दिसंबर तक नहीं हुआ तो वो आत्मदाह कर लेंगे। ये तो हमेशा रहा, ताल्लुकात अपनी जगह पे है, मुकदमा अपनी जगह पे है। वो अपनी कौम के लिए लड़ते हैं, हम अपनी कौम के लिए लड़ते हैं। ये लड़ाई कोर्ट की है, ये चलती रहेगी, और जो ताल्लुकात जो है आपस के हैं वो आपस में हमेशा बने रहेंगे। ना वो हमसे जलते हैं, ना हम उनसे जलते हैं। संत परमहंस ने भी इकबाल अंसारी का बेहतरीन स्वागत किया। दीपावली की मुबारकबाद के साथ दोनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। संत परमहंस ने इकबाल अंसारी को रामचरितमानस भेंट की और नफरत के ठेकेदारों को ये संदेश भी दिया कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। बाबरी के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी मिलने आए हमसे, और पूरे परिवार सहित मिलने आए। तो हम आए और उन्होंने कहा स्वामी परमहंस जी, आपने आमरण अनशन करके राम मंदिर के लिए प्राण पर दांव लगाया तो मैं बेहद खुश हूँ, और आपको जो है दीपावली की शुभकामना भेंट करने आया हूँ। और मैं भी देखा कि पूरे परिवार सहित आए थे, तो हमने भी उनका जो है तो बाकायदे सत्कार किया, स्वागत किया, और उनको जो है मिठाई इत्यादि खिलाया, और बाद में हमने उनको रामचरितमानस भेंट किया, राम जी के बारे में हमने बताया। सन 1528 में बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1949 में बाबरी मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति देखी गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के प्रतिनिधि कोर्ट चले गए थे और विवादित स्थल पर ताला लगा दिया गया था। 1959 में निर्मोही अखाड़े की ओर से विवादित स्थल के स्थानांतरण के लिए अर्जी दी गई। 6 दिसंबर 1992 को हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया। बनबीर सिंह, अयोध्या। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।